दोस्तों, साधु शब्द से तो आप भली भांति परिचित होंगे। ये वही शब्द है जिसकी व्याख्या करने वाले कुछ जानकार इन्हें गेरवा वस्त्र धारण कर संन्यास लेने वाले पुरुष बतलाता है, तो कोई इन्हें मठ या आश्रमों में जीवन व्यतीत करने वाला सज्जन पुरुष मानता है। संतों से जुड़े साधुवाद के बारे में बताते हुए सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते हैं कि कोई इंसान साधु तभी बन पाता है जब उसके अंदर ज्ञान और वैराग्य के पंख निकल आते हैं। ज्ञान और वैराग्य के बिना कोई भी व्यक्ति साधुवाद के सिद्धांत को नहीं अपना सकता। साधु का अर्थ होता है साधु, दो शब्द है ना, वह ऐसा साधक जिसमें साधना से सारी जो है मैल, गंदगी, रोग, दुख, कष्ट, पाप धुल गया है। साधु धुल गया, अब वह परम पवित्र हो गया, पाक हो गया, साफ हो गया, वह साधु हो गया। साधु में दो पंख निकल जाती है, पंछियों में दो पंख होती है ना, उस तरह तुम साधु भी बनते हैं तो दो पंख निकल जाते हैं, एक होता है ज्ञान का, एक होता है वैराग्य का। दो पंखों से उड़ान भरता है ज्ञान और वैराग्य से, और पक्षियां जैसे आकाश में उड़ती है, वह भी जो है आकाश में उड़ता है, आकाश में, प्रभु के आकाश में। इसीलिए पक्षियां जो है पेड़ पर घोंसले बनाती है। पेड़ पर घोंसला क्यों बनाती है? कि कभी अवसर पाते आकाश में गमन कर जाए। इसी तरह से आकाश में गमन करते हैं, साधु भी आकाश में गमन करता है। शून्य महल में फेरी दे, गगन मंडल में कियो घर। कभी साहब कहते हैं ना, घर यदि करना है तो गगन मंडल में कियो, कहते हैं गगन मंडल में घियो। कबीर साहब गगन मंडल में घर करते हैं, जहां से आसान से आसानी से आवागमन हो सके। साधु जब ध्यान करता है तो कभी कभी उसमें चमके आ जाती है, जैसे तुम लोग अभी कभी कभी प्रकाश आ गया है ना, लाइट आ गया, अनुभव आ गया। साधु का मतलब है कभी कभी प्रकाश आ जाती है, कभी कभी वर्षा आ जाता है, कभी कभी जो है आनंद की लहरें आ जाती है, कभी कभी, कभी कभी चमक होती है आकाश में, चमक जाती है तुम्हारे अंदर भी। क्यों तिवारी, चमका ना जी, चमका, चमक जाती है। संत का अर्थ यह होता है जिसके अंदर अब हर समय चमकता ही रहता है, हर समय मूसलाधार वृष्टि ही होती रहती है, वह हर समय मूसलाधार वृष्टि में उस परमात्मा के प्रकाश में अहो भाव से भरे रहता है, उसको कहते हैं संत। अब वह शांत हो गया है, इस झंझट में रहते हुए भी झंझट से विरक्त हो गया है, अब उसके साथ रह रहा है। आध्यात्मिक आकाश में ज्ञान और वैराग्य के साथ उड़ने वाले संतों के व्याख्यान के दौरान सद्गुरु मीरा की गायकी का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि राग और अनुराग के बीच के अंतर को समझाने वाला इंसान ही अपने गुरु का सच्चा भक्त बन पाता है। भक्त में राग की महत्ता नहीं होती, उसके हृदय की महत्ता होती है। हृदय से जो उठता है अनुराग होता है, कंठ से जो उठता है उसको राग कहते हैं। इसीलिए तुम लोगों को हम साधना जो कराए थे, उल्टा नाम जपत जग जाना, कंठ का प्रधानता नहीं दिए थे, कंठ से मत उठाओ। जब कंठ से नहीं उठेगा तो अनुराग से उठेगा ना। परमात्मा की है राग नहीं पहुंचता, अनुराग पहुंचता है। इसलिए मीरा की जो है भक्ति वहाँ पहुँच जाती थी, संगीत पहुँच जाता था, गाना। कहते हैं कि विनम्रता धारण कर सबका आदर करता है, जिसमें विनम्रता आती है उसका अहंग दूर होता है, वह सभी को आदर करता है ना, उसके लिए सब में प्रभु ही रहते हैं। अहंकार जो है आंतरिक अवरोध उत्पन्न करता है। तो दोस्तों, ये साधु या संतों को लेकर सद्गुरु के विचार हैं। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के ऐसे ही पथदर्शक उपदेशों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।